फ्रेंड्स, क्या आपको ये लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक अच्छा पार्टनर होना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे इंग्लिश ना सीखने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि मुझे अभी तक कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला है। चलिए 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं क्योंकि आपने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है या आपके पेरेंट्स ने बचपन से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया है या आपने एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है, राइट? तो नाउ यू गॉट गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। वंस यू गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स उनकी इंप्रूव करने के लिए, या फिर आप उसी टाइम में अपनी और टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके या फिर हाई पेइंग जॉब मिल सके। तो आप में से ज्यादातर लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे स्किल्स को डेवलप करने के लिए ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके, राइट? तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर लेंगे। सो आपको किसी भी फ्रेंड से, सिबलिंग से या दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपकी प्रायोरिटी है इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना, उनकी कुछ और प्रायोरिटीज हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करेंगे क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ टाइम का चैलेंज है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो आपने इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है कि यस, इट्स ए प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव ए पार्टनर एंड आई कैन नॉट गेट ए पार्टनर। जब प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गई, अब सॉल्यूशन आपने ढूंढने शुरू करने हैं। चलिए मैं 3 पॉसिबल सॉल्यूशन आपको सजेस्ट कर रहा हूं अगर आपके पास पार्टनर नहीं है। पहला, आपने मिरर के सामने बोलना है, मिरर के सामने आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी क्योंकि मिरर आपको इंसल्ट नहीं करेगा, मिरर आपको ह्यूमिलेट नहीं करेगा अगर आप मिस्टेक्स करते हैं। तो आप बिंदास जितनी मिस्टेक्स चाहें कर सकते हैं, आप आसानी से मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड, आपने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपने ऑब्जर्व करना है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या कमियां हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि आप बहुत उदास रहते हैं जब भी इंग्लिश बोलते हैं, पोकर फेस्ड रहते हैं, राइट? तो नेक्स्ट टाइम आपने ध्यान करना है जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे कि आपके फेस पे नॉर्मल स्माइल होना चाहिए, आपका नॉर्मल फेस होना चाहिए इंग्लिश बोलते हुए, ठीक है? मिरर के सामने से इंप्रूव करेंगे और जब वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तब इसे ध्यान रखेंगे, यस आई रिक्वायर दिस इंप्रूवमेंट। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आप फिर से मिरर के सामने जब प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले आप अपने कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आ सके। ऐसे ही आपने हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग में अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपनी शॉर्टकमिंग को, अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना है, अपनी शॉर्टकमिंग को इंप्रूव करना है और अपनी स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करना है, मतलब कि और ज्यादा अच्छा बनाना है, और ज्यादा इंप्रूव करना है, राइट? ये हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, आपको गूगल प्ले स्टोर पे कुछ एप्स मिल जाएंगी जैसे ओपन टॉक, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे इंडिया में भी और पूरी दुनिया में जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? ओपन टॉक एक ऐप है, इस तरह की बहुत सारी ऐप आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये 3 ऑप्शन मैंने बताए आपको, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना और ओपन टॉक या इस तरह के कोई और ऐप आप सर्च करेंगे। पर आपने इस चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाना कि मेरे पास पार्टनर नहीं है, राइट? थैंक यू।